हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन जावा सर्वलेट। ओके, जावा सर्वलेट क्या है? तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट देखेंगे कि हमारा जावा सर्वलेट कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, ये हाफ पार्ट होने वाला है। एंड नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी। ओके, कौन कौन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमारे जावा सर्वलेट के अंदर इंक्लूड होते। तो बेसिक नीड क्या थी हमारी, क्या जरूरत थी जिसकी वजह से हमने हमारा जावा सर्वलेट एक कंसेप्ट है डिजाइन हुआ। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन लेक्चर फॉर ए इंटरप्राइज जावा TYBSC के जो अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी। सो लेट स्टार्ट करते। तो फर्स्ट नीड क्या है इसकी? सो नीड फॉर अ डायनेमिक कंटेंट। सो बेसिक नीड, ओके, नीड फॉर अ डायनेमिक कंटेंट की फर्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारे पेज थे, जैसे कि स्टैटिक पेज थे, तो स्टैटिक पेज को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन अ डायनेमिक फॉर्म। सो वी नीड टू क्रिएट एंड सर्वलेट। ओके, सो एक स्पेसिफिकली कोई कोई तो टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर है टू क्रिएट एंड डायनेमिक कंटेंट। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमने स्टैटिक पेज से डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या फायदे उसके हो सकते हैं। तो डायनेमिक कंटेंट हमें कहाँ कहाँ पे यूज है या कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नीड है हमारी फॉर एन डायनेमिक कंटेंट। तो फर्स्ट दैट इज एन डिस्प्लेइंग बैंक अकाउंट डिटेल, परफॉर्मिंग अ बैंक ट्रांजेक्शन, बुकिंग टिकट एंड वेदर रिपोर्ट एंड न्यूज हेडलाइन के इतने नंबर्स ऑफ और इससे भी ज़्यादा डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं जहाँ पे हम जो हमारा डायनेमिक कंटेंट है। ओके, डायनेमिक इन द सेंस जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है या वर्ल्ड वाइड वेब, डिफरेंट जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट यूज करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे एक जैसे नॉर्मल वेब पेज था उसका डायनेमिक कंटेंट हमने यहाँ पे जनरेट किया। सो बेसिकली फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी थी जो हम सभी को पता होगी या कुछ लोगों को पता नहीं होगी, दैट इज एन कॉमन गेटवे इंटरफेस। दिस इंटरफेस, ओके, ये इंटरफेस क्या काम करता था एंड ड्यूरिंग ऑफ दोज डे, कि जस्ट जस्ट जो वेब पेज हमारा डेवलप हुआ या स्टार्टिंग हुआ था वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, सो ओनली वे टू डायनेमिक डेटा कुड बी रिडंडेंट टू अ वेब वॉज यूजिंग अ कॉमन गेटवे इंटरफेस, कि जहाँ पे सिर्फ कॉमन गेटवे इंटरफेस एक कंसेप्ट यूज किया जाता था, जैसे लाइक फॉर एंड डायनेमिक कंटेंट। कि डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन गेटवे इंटरफेस है एक कंसेप्ट यूज करते थे। बट ये जो CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस है, प्रोग्राम प्रोवाइड अ रिलेटिवली सिंपल वे टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट यूजर इनपुट, क्वेरीज ऑफ अ डेटाबेस एंड रिटर्न रिलेवेंट रिजल्ट बैक टू अ वेब ब्राउज़र। इतना ही टास्क परफॉर्म करता था, इनपुट लेने का स्पेसिफिकली यूजर से, जो भी क्वेरीज होगी डेटाबेस की उसको हैंडल करने का, एंड लास्ट जो वेब ब्राउजर के ऊपर रिस्पॉन्स होगा, आउटपुट होगा, उसको शो करने का। इतना ही जो नॉर्मल टास्क था, एक टास्क हमारा वेब ब्राउजर के ऊपर CGI इन द सेंस कॉमन गेटवे इंटरफेस परफॉर्म करता था। देन द बींग द मोस्ट कॉमन वेब टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट एवरी रीडिंग वेब सर्वर इन एग्जिस्टिंग टूडे प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ CGI। ओके, उस समय हम सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक सी यूज करते हैं, C++ यूज कर सकते हैं, या वीबी स्क्रिप्ट या TCL, पाइथन की नंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज हमारे CGI प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज के अंदर हम CGI लैंग्वेज लिख सकते थे, बट इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज थे। कि कौन कौन से डिसएडवांटेज थे? तो बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ CGI इज अ लैक ऑफ स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग द स्पीड। लैक ऑफ स्केलेबिलिटी इन द सेंस मल्टीपल यूजर एट अ टाइम इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा उसको रन नहीं कर सकते, मल्टी थ्रेड्स होंगे वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली इफ द मल्टीपल प्रोग्राम है, मल्टीपल क्वेरीज, मल्टीपल थ्रेड यहाँ पे रन होंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका जो स्पीड है, ओके, सो स्पीड कम होने वाला है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो दिस इज एन डिसएडवांटेज ऑफ एन CGI। देन नेक्स्ट, इट इज एन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ओके, इसको रन होने के लिए स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म चाहिए,
दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर रन नहीं होगा, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। स्पेसिफिकली एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ए सी जी आई वर्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अ प्रोसेस थ्रेड कंज्यूमर अ लॉट्स ऑफ सर्वर साइड रिसोर्सेज इन स्पेशली इन अ मल्टीपल यूजर सिचुएशन। ओके, सो जैसे कि हमने बोला था स्केलेबिलिटी नहीं है, सो कंज्यूम अ लॉट्स ऑफ सर्वर साइड रिसोर्स, रिसोर्स कंज्यूम करेगा, ऑटोमेटिकली आपका सर्वर वहाँ पे डाउन होने वाला इन अ मल्टी यूजर सिचुएशन, तो इट इज ऑल्सो एन अ डिसएडवांटेज। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज, दैट इज द डिफिकल्टी फॉर बिगिनर टू प्रोग्राम मॉड्यूल्स इन दिस इन्वायरमेंट। कि डिफिकल्टी है कि हर एक को खुद का एक प्रोग्राम इसके अंदर रन करना पड़ता था, बनाना पड़ता था, सो इट इज अ डिफिकल्ट टू मॉड्यूल को, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को क्रिएट करना फॉर एन बिगिनर। कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन होगा तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस वाला पर्सन इसको बना सकता है, बट जो हमारा बिगिनर होगा, कि बिगिनर को थोड़ा सा नॉलेज कम होता है, बट वो क्या कर सकता है, इसके अंदर प्रोग्राम नहीं कर सकता, उसको डिफिकल्टी हो सकती है। देन लास्ट डिसएडवांटेज दैट इज द लास्ट डिसएडवांटेज दैट इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स सच एज द डेटा बेस कनेक्शंस बिटवीन अ स्क्रिप्ट एंड मल्टीपल कॉल टू बी अ सेम स्क्रिप्ट वॉज नॉट अवेलेबल। कि हर एक कनेक्शन के लिए, हर एक स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या करना होता था, डिफरेंट कनेक्शन जनरेट करना पड़ता था, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कि जो हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसके अंदर हो रही थी, तो ये भी एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज इसके अंदर था। सो वी क्रिएट एन अल्टरनेटिवस। ओके, अल्टरनेटिव्स क्या क्या हमने इसके अंदर क्रिएट किए, या अल्टरनेटिव्स टू अ सी जी आई। सी जी आई के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन और कॉमन गेटवे इंटरफेस कौन कौन से डिफरेंट यहाँ पे अल्टरनेटिव्स हमने लिए, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दैट इज द फास्ट सी जी आई, सेकेंड अल्टरनेटिव दैट इज द मॉड पी एल इन द सेंस अपाचे एंड पी एल लैंग्वेज, देन नेक्स्ट इज द एन एस ए पी आई नेटस्केप सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, देन नेक्स्ट आई एस आई पी जैसे इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड लास्ट दैट इज एन जावा सर्वलेट। ओके, जो हमारा टॉपिक है, तो ऑब्वियसली जो आपको पता चल गया होगा कि जावा सर्वलेट कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ, उसका बेसिक क्या था, एंड हमने अभी इसके अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर दिया सी जी आई का। सो अभी सी जी आई को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एंड जो हमारा जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी है उसको इसके आगे हम यूज करेंगे। सो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सबको, कि फर्स्ट क्या था सी जी आई, सी जी आई के अंदर कुछ डिसएडवांटेज थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या कहा, कुछ अल्टरनेटिव्स निकाले, जैसे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स चालू है, बट जो जावा सर्वलेट है दैट इज अ जावा टेक्नोलॉजी, सो वी यूज अ जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी। सो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स, इसके अंदर कोई बेसिक जो सी जी आई है, इसके अंदर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी या कोई सजेशन होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।